अगर आपका यूपीपीएससी फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसका मॉडिफिकेशन यानी करेक्शन कैसे कर सकते हैं वही जानेंगे आज के वीडियो में। इस तरह से आप यूपीपीएससी टाइप करेंगे गूगल में और पहला ही लिंक मिलेगा, इस तरह से आप आ जाएंगे, नहीं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके इस पेज पर आ जाएंगे। साइड में देखेंगे यहाँ लिखा होगा मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए कुछ रूल दिए गए हैं करेक्शन करने के लिए। यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा है जो अभ्यर्थी है केवल एक ही बार अपने भरे हुए आवेदन में संशोधन कर सकता है, उसके बाद नहीं। आप ध्यान रखिएगा आपकी जो भी गलती है सबसे पहले आप देख लीजिएगा और सारी गलतियों को एक ही बार में आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही बार आपको करेक्ट करने का मौका दिया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ चीज़ें हैं जो आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे आपका नेम वगैरह है, DOB वगैरह है। यहाँ पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अगर आप यूपी के निवासी हैं यानी उत्तर प्रदेश के तो यस करेंगे, यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, आप OBC थे, जनरल थे, जो भी है। यहाँ पर कैप्चा कोड भरने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप करेक्शन दो तरीके से कर सकते हैं, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP मंगाकर या रजिस्टर्ड ईमेल पर OTP मंगाकर। चलिए हम यहाँ पर ऑप्शन चूज करते हैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने जो फॉर्म भरते समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला था वो यहाँ भरेंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कॉर्नर में यहाँ पर आपके सामने पॉपअप मैसेज आएगा, काइंडली क्लिक ऑन बटन, क्लिक हियर टू मॉडिफिकेशन और अपडेट, इसे क्रॉस करके हटा देंगे और जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है क्लिक हियर टू मॉडिफाई अपडेट योर एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ आपको डिक्लेरेशन देना है, यहाँ टिक कर देना है और नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपकी डिटेल दिखेगी। आप जो भी करेक्शन करना चाहते हैं यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर पहले से ही क्लियर लिखा हुआ था कि आप डेट ऑफ बर्थ, नेम वगैरह इसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये जो चीज़ें हैं इनमें आप करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जो भी करेक्शन करना चाहते हैं यहाँ पर देख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ सारी चीज़ें सही हैं तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपकी एकेडमिक एजुकेशन डिटेल है अगर वो करेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं, अगर सही है तो इसको भी नीचे स्क्रॉल कर देंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो भी आपकी इसेंशियल थी ग्रेजुएशन, अगर वो सही है तो ये देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर आपका जो ग्रेजुएट था, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके तो यस सहने देंगे, अगर PG भी है, अगर आपसे गलती से नो भर गया तो उसे भी आप यस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है करेक्शन यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर सब्जेक्ट की बात आती है, कई अभ्यर्थियों के जो क्वेश्चंस आए हैं कमेंट में, उन्होंने कहा सर ग्रेजुएशन मेरे ये सब्जेक्ट है तो मैं क्या चुनना पड़ेगा। देखिए ध्यान रखिएगा, आप अपनी ग्रेजुएशन की BA, BSc या BCom की फाइनल ईयर की मार्कशीट देखिएगा, आपके फाइनल ईयर में जो सब्जेक्ट आपको लिखे मिले आपकी मार्कशीट पर उनमें से जो इसमें मौजूद हैं उन पर आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। इसे देखिए नीचे स्क्रॉल करके भी अदर सब्जेक्ट आप ढूंढ सकते हैं, ये काफ़ी सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, जो जो आपके सब्जेक्ट आ रहे हैं ग्रेजुएशन में उन्हें आप टिक करते जाइए। बाई चांस गलती से कोई सब्जेक्ट एक्स्ट्रा टिक हो गया तो रीसेट चॉइस पर क्लिक करके उन्हें हटा सकते हैं, फिर से भर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा, मेरी था सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपने अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो येस या नो किया होगा। जैसे यहाँ पर पहला जो सब रजिस्ट्रार असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर है ट्रांसपोर्ट का, इसमें लॉ ग्रेजुएट मांगा गया है, जैसे आपका BCom हो और लॉ वगैरह किया हो, ठीक है, या अदर कोई आपका ग्रेजुएशन हो उसके साथ लॉ किया हो, तो यहाँ पर देखिए येस करेंगे। यहाँ पर जैसे कि ऑलरेडी हमने पहले से येस किया हुआ था, उसके बाद अदर आपकी जो क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग पोस्ट हैं वो चुन लेंगे। जैसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर जो रेवेन्यू ऑडिट होता है उसमें कॉमर्स ग्रेजुएट मांगा गया है यानी BCom, तो अगर आपके एलिजिबल हैं इसके लिए तो येस कर देंगे। ऐसे अदर पोस्ट के लिए जो भी आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं तो येस नो कर लेंगे। उसके बाद फाइनली नीचे आकर आपको यहाँ क्या करना है, जो अदर डिटेल भी आपको चेक कर लेनी है, जैसे कि आप हिंदी जानते हैं तो येस, और आपका जो भी एड्रेस वगैरह है अगर पहले से सही भरा है तो अच्छी बात है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए संशोधन करते समय भी आपको दोबारा से ये डिक्लेरेशन देना होगा, आई एक्सेप्ट द फॉलोइंग डिक्लेरेशन, यहाँ क्लिक करेंगे तो येस पर क्लिक कर देंगे। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, अब आपको प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक करना है, यहाँ पर पॉपअप आएगा, यहाँ ओके कर देंगे, ये कैप्चा भरेंगे और अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, फिर से पॉपअप मैसेज आएगा, ओके कर देंगे। इस तरह से देखेंगे आपका जो मॉडिफिकेशन है सफलतापूर्वक हो गया है। यहाँ पर आप अपना जो एप्लीकेशन स्लिप है प्रिंट अपडेट एप्लीकेशन प्रिंट स्लिप पर क्लिक करके प्रिंट कर लीजिएगा और क्लिक हियर टू डाउनलोड कंप्लीट अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ क्लिक करके अपना कंप्लीटेड जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म अपडेट किया है यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी पूरी प्रोसेस, फिर भी किसी कैंडिडेट को प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ हमसे पूछ सकते हैं।
और अगर आप नए हैं तो मैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।